guys, this is Jyoti Vishwakarma here, your host and host. Welcome back to our channel, Big Headlines. दोस्तों असीम हिमांशी एक ऐसी जोड़ी है जो कि कपल गोल्स देती है और इस जोड़ी को दर्शक बेहद ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो बिग बॉस 13 के घर के अंदर हो, चाहे वो बिग बॉस 13 के घर के बाहर हो। इस जोड़ी को दर्शकों ने बेहद ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस जोड़ी में आ गई है दरार? क्या इस जोड़ी का हो गया है ब्रेकअप? चलिए मैं आपको बताती हूँ। वेल, अगर आप असीम हिमांशी के फैंस हैं तो ये खबर आपके लिए बुरी हो सकती है। जैसे बॉलीवुड की गलियारों से खबर आ रही है कि असीम रियाज और हिमांशी खुराना के बीच कुछ अनबन चल रही है। बिग बॉस 13 के दौरान ही हमने देखा था कि असीम रियाज और हिमांशी खुराना का एक दूसरे के ऊपर प्यार का परवान चढ़ा था। हालांकि असीम रियाज किसी और से इंगेज थे और हिमांशी खुराना किसी और से इंगेज थे, लेकिन जब वो एक साथ इस घर में आया, जब वो दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, तो इन दोनों के बीच में जो एक क्लोजनेस बढ़ गई, इन दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए, और जिसके बाद नेशनल टेलीविजन पर असीम रियाज ने हिमांशी खुराना को मैरिज के लिए प्रपोज भी करा था। जहां पर हालांकि स्टार्टिंग में हिमांशी खुराना ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो जब एलिमिनेट हो गया और फिर उससे वो जब घर में आई तब उन्होंने उनके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद से इस जोड़ी को दर्शकों ने ढेर सारा प्यार दिया है। ये जोड़ी हर वक्त हर किसी का फेवरेट जोड़ी रहा है। ऐसे में दोस्तों ऐसा लगता है कि अगर आपका भी ये फेवरेट जोड़ी है, इनफैक्ट मेरा भी तो फेवरेट जोड़ी है, ये कपल गोल्स देते आ रहे हैं। आए दिन इनको लेकर काफी चर्चाएं होती थी। हिमांशी खुराना असीम रियाज एक दूसरे की काफी पोस्ट शेयर किया करते थे, एक दूसरे के पोस्ट पे काफी कमेंट्स भी किया करते थे। लेकिन लगता है कि अब ये जोड़ी में दरार आ गई है। अब असीम रियाज के फैंस और हिमांशी खुराना के फैंस थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। वेल दोस्तों, ऐसा खबरें सामने आ रही है कि इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है। वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिमांशी खुराना ने एक ट्वीट कर कहा है कि कोई हमें एक साथ नहीं दिखना चाहता है। साथ ही आगे वो ब्रोकन हार्ट का इमोजी भी है। अब इसके बाद इस ट्वीट पर कई ज्यादा रिएक्शन आ रहे, कई लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। फैंस बहुत ज्यादा रीट्वीट करके इस पर अपनी रिएक्शन दे रहे हैं कि आखिर क्या हो गया उन दोनों के बीच और हिमांशी खुराना ने ऐसा ट्वीट क्यों किया। इसके बाद ऐसे काफी कयास लगे जा रहे हैं कि हिमांशी खुराना का असीम रियाज के साथ ब्रेकअप हो गया। हालांकि ये जोड़ी सबकी फेवरेट हो चुकी है। जब इस अगर ये जोड़ी टूटती है तो फैंस बहुत ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि इस जोड़ी को दर्शकों ने बेहद ज्यादा प्यार दिया है। ऐसे में दोस्तों आपको मैं ये चीज एक और बता दूं कि इस जो हिमांशी खुराना का जो ट्विटर अकाउंट है, इसके आगे ब्लूटिक नहीं है। इसको लेकर भी एक सस्पेंस है, इसको लेकर भी एक ऐसा कहा जा रहा है कि क्या ये ट्विटर अकाउंट रियल है या फिर फेक है, इसको लेकर भी अभी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि जब बिग बॉस चल रहा था, बिग बॉस 13 का पीरियड चल रहा था, तभी इस ट्विटर अकाउंट से काफी ज्यादा ट्वीट किए गए थे, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि ये हिमांशी खुराना का रियल ट्विटर अकाउंट है। लेकिन हालांकि ये वेरीफाइड नहीं है, तो इसको लेकर ऐसा भी कहा गया है कि ये शायद फेक अकाउंट होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर ये रियल होता है तो असीम हिमांशी के फैंस बहुत ज्यादा निराश होंगे, वो बहुत ज्यादा दुख में होंगे। लेकिन अब तक हिमांशी खुराना और असीम रियाज की तरफ से इस पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। दोस्तों अगर ये बात सही होती तो ऐसे में फैंस चाहेंगे कि जल्द से जल्द असीम रियाज और हिमांशी खुराना का जो आपसी मतभेद, जो उनके बीच में दरार आई है, वो सॉल्व हो जाए और ये दोनों एक बार फिर से एक साथ आ जाए। वही दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसके पहले असीम रियाज और हिमांशी खुराना का बिग बॉस 13 के घर से बाहर आने के बाद इन दोनों का फर्स्ट म्यूजिक वीडियो सामने आया था, जिसका नाम है कल्ला सुनने। इस सॉन्ग में इन दोनों की खट्टी मीठी केमिस्ट्री को दर्शकों ने बेहद ज्यादा पसंद किया था। और अब एक बार फिर से दर्शक चाहते है कि इन दोनों की जोड़ एक बार फिर से साथ में और दर्शकों को बहुत ज्यादा एंटरटेन करे। वही दोस्तों आपको बता दें कि शो से बाहर आने के बाद असीम रियाज हिमांशी खुराना के माँ से भी मिले थे, और हिमांशी खुराना ये कह चुकी कई दफा की असीम रियाज को हिमांशी की माँ बहुत ज्यादा पसंद करती है, और ऐसे में असीम के फैमिली की तरफ से भी थोड़ा थोड़ा सा एक पसंद किया जाता है हिमांशी खुराना को। लेकिन अब बीच में ऐसे भी खबरें आ रही थी कि दोनों जल्दी शादी करने वाले, लेकिन इन खबरों को अफवाह के तौर पर बताया गया था। लेकिन अब क्या वापस से हिमांशी खुराना और असीम रियाज एक साथ होंगे या फिर नहीं, इसको लेकर अभी ये तो देखने वाली बात है। और इसपे क्या असीम रियाज और हिमांशी खुराना का रिएक्शन आता है, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या असीम रियाज और हिमांशी खुराना का रियली ब्रेकअप हो गया होगा? और अगर हुआ होगा तो क्या आप उन दोनों को एक साथ फिर से देखना पसंद करेंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।